नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अब दुर्गा 2 के प्रहार से ड्रोनों पर होगा हमला। अब DRDO तैयार कर रहा है इसी तरीके के सुरक्षा कवच को। आतंकी हो या देश के दुश्मन, उनके किसी भी हमले से अब घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारत के रक्षा वैज्ञानिक हर चुनौती और खतरे को समझकर रिसर्च करने पे लगे हुए। DRDO के वैज्ञानिक भी दुर्गा 2 की परियोजना में काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं और जल्द ही इसे ऑपरेशनल किया जाएगा। रक्षा वैज्ञानिक बताते हैं कि दुर्गा 2 के ऑपरेशनल होने के बाद किसी भी ड्रोन को पलक झपकते ही न केवल खोजा जा सकेगा बल्कि मार गिराया जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट VIP को भी बहुत छोटे आकार के ड्रोन जैसे हमलों से बचाने की क्षमता भी विकसित की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि देश में विशिष्ट व्यक्तियों को ड्रोन या फिर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ऑब्जेक्ट से बचाने की क्षमता तो सुरक्षा बलों के पास है, लेकिन आने वाले समय में और मजबूत इसे बनाया जाएगा। VIP लोगों की सुरक्षा के लिए माइक्रोवेव या एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिक काली परियोजना पर काम कर रहे हैं। इस परियोजना पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और DRDO के वैज्ञानिक साथ में काम कर रहे हैं। ये एक एनर्जी वेपन सिस्टम होगा जो माइक्रोवेव, एक्सरे आदि जैसे विकिरणों के माध्यम से दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पलक झपकते ही खत्म कर देगा। बात करते हैं दुर्गा 2 की। सीमा पार से अगर दुश्मन कोई भी गुस्ताखी करता है, खास करके ड्रोन्स को लेकर, तो उन्हें खत्म करने की प्रणाली विकसित की जा रही है। क्योंकि दुर्गा 2 परियोजना एक गोपनीय योजना है और ये एक स्पेशल योजना भी है, इसीलिए इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। सूत्रों ने बताया कि ये लेजर तकनीक पर आधारित मैकेनिज्म होगा। 100 किलोवाट की क्षमता वाली इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई में हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसे पहचानने तथा लक्ष्य पर लेकर उसे कई हिस्सों में भेदने की क्षमता होगी। ये प्रणाली एक बारी में कई लक्ष्यों की पहचान कर सकेगी और उसे लेजर ऊर्जा के सहारे नष्ट कर देगी। दोस्तों 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे समारोह में भी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी गंभीर है। माना जा रहा है कि इसके लिए लेजर आधारित हथियारों की तकनीक अपनाई जा रही है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये तकनीक और सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से देशी होगी या फिर किसी सहयोगी देश की सहायता से तैयार की जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली जाएगी। यानी कि दुर्गा 2 परियोजना पर अब लगातार DRDO काम कर रहा है, क्योंकि अब देश को इसकी सख्त जरूरत पड़ गई है। अभी तक केवल ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ड्रग्स और हथियारों को पहुंचाने के लिए कर रहा था, लेकिन अब उसकी हरकतें बढ़ गई हैं और उसने सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर ड्रोन भेजने शुरू कर दिए हैं और ये ड्रोन हथियारों से लैस है। ऐसे में दुर्गा 2 परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी, इसके साथ साथ ये लेजर तकनीक का इस्तेमाल करेगी। अब आने वाले समय में चाहे वो देश की जनता हो या फिर सुरक्षा प्रतिष्ठान, उन पर ड्रोन हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश की तकनीक विकसित हो रही है और जब तक किसी चीज का संकट नहीं आ जाता तब तक उस पर काम भी नहीं होता है। लेकिन हमें अपनी परियोजनाओं को और मजबूत करना होगा और साथ ही साथ दोस्तों अपनी स्वदेशी प्रणालियों को विकसित करना होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो को लेते हैं, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।